नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं हूं आपके साथ अंजलि। आइए नजर डालते हैं आज की मेन हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की 7वीं बैठक में दिया आत्मनिर्भरता का मंत्र। ट्रेड, टूरिज्म और टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहन दे सभी राज्य। 15 अगस्त के दिन दूधिया रोशनी से जगमगाएगा समालखा का भाभड़ा स्टेडियम। अगर मुख्यमंत्री 15 अगस्त को समालखा में झंडा फहराते हैं तो ऐसा समालखा में पहली बार होगा। सोमवार को 370 लोगों के कोरोना सैंपल लिए गए। अब जिले में 72 एक्टिव केसेस और एक मरीज की मृत्यु। आज जिले में 16 नए कोरोना केस पॉजिटिव और आज 19 मरीजों को किया स्वस्थ घोषित। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के चलते पानीपत डीसी ने किया भाभड़ा स्टेडियम का दौरा। 7 साल में किसी भी प्रकार की बिजली की सुविधा नहीं थी और अब एक दिन में किया गया बिजली कनेक्शन। भाभड़ा स्टेडियम में 7 सालों से नहीं था कोई भी बिजली कनेक्शन। सीएम मनोहर लाल के आने से दी गई सभी प्रकार की सुविधाएं। रंगदारी मामले में फर्जी मोहर उपलब्ध कराने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, जारी है पूछताछ। कोर्ट में पेश कर आरोपियों को भिजवाया जेल। पानीपत में 15 अगस्त के दिन सीएम मनोहर लाल खट्टर को दिखाए जा सकते हैं काले झंडे। सेक्टर 18 स्थित शराब का ठेका हटवाने का मुद्दा सेक्टर वासियों के लिए बना नाक का सवाल। सेक्टर वासियों की चेतावनी, ठेका नहीं हटा तो 15 अगस्त को सीएम मनोहर लाल खट्टर को दिखाएंगे काले झंडे। ठेका हटवाने के मुद्दे को लेकर आज सेक्टर वासी एक्साइज विभाग के DETC से मिलने पहुंचे। सेक्टर वासी बोले, नहीं मिल रहा विभाग की तरफ से संतोषजनक जवाब। शराब के ठेके को हटवाने के लिए सेक्टर वासियों का लगातार 21 दिन से धरना प्रदर्शन जारी। अब तक की अपडेट्स में इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए सिटी तहलका। नमस्कार।